सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। अभी हमारे साथ आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी जुड़े हुए। सर स्वागत है सिटी पोस्ट में आपका। बहुत सारे महागठबंधन में तकरार चल रही है, अभी आप लोगों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आरजेडी के मात्र एक विधायक नजर आए। नहीं देखिए, ये तो सबसे पहली बात, कोई तकरार चल रही है ऐसा नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहीं से यह पहले से था भी नहीं किस नेता को आना है नहीं आना है। एक कार्यक्रम है महागठबंधन की ओर से 12 अक्टूबर को पटना में, उसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्हीं को बुलाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आरजेडी से जो रिप्रेजेंटेटिव उसमें है, माननीय विधायक सरबजीत जी, उनकी उपस्थिति थी। मुकेश सहनी जी थे इसलिए कि मुकेश सहनी जी स्वयं उस कमेटी में है, मदन मोहन झा जी थे इसलिए कि स्वयं उस कमेटी में है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी के एक पदाधिकारी हैं अनिल रजक जी, तो वही है उस कमेटी में, यही लोग थे। इसमें कहां पहले से कोई ऐसी बात थी कि इसमें तेजस्वी जी रहेंगे या राबड़ी जी रहेंगे या कौन रहेंगे, कि बाद में यह कहा जा रहा है कि नहीं थे। इसलिए ऐसा कहना कि कोई तकरार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन कई उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव को वहां होना चाहिए, आप लोगों के दिल में भी ये उम्मीद थी? अब मीडिया के लोगों के मन में कोई उम्मीद रहती हो तो उसकी बात हम कहां कर पाएंगे, लेकिन हमने कहा कि जिनको वहां रहना चाहिए था, जिनको बुलाया गया था, वो लोग थे, सब पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां थे। अब जो 12 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में नेता लोगों को रहना है ना। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी के लिए अभी फिर बैठक होगी, उसकी तैयारी के लिए जो एक तैयारी समिति बनी है, मैं ही उसका कन्वीनर हूँ, तो उसकी बैठक अनेक बार होगी। तो अनेक बार बैठक होगी तो सब बैठक में तेजस्वी जी भी रहे या मांझी जी रहे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, तो फिर उसको देखकर कोई कहे कि फिर नहीं आए, इसलिए ऐसा नहीं है। देखिए उस दिन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको इस नजर से देखने की जरूरत नहीं। सर बहुत हद तक कई प्रमुख चेहरों से ये सुनने को और बार बार देखने को मिलता है कि जेडीयू को कहीं ना कहीं महागठबंधन में इनविटेशन मिलता है कि जेडीयू महागठबंधन में शामिल हो जाए ताकि प्रॉपर एंटी बीजेपी एक महागठबंधन तैयार हो जाए। एक तरफ तेजस्वी जी की कहीं अनुपस्थिति होती है तो आप लोग कहते हैं कि आरजेडी नहीं है, और एक तरफ आरजेडी की ओर से तेजस्वी जी जो बात कह रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए तेजस्वी जी ने साफ साफ कहा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जी के लिए जगह नहीं, अभी कहा है उन्होंने, तो साफ साफ कहा है। तो तेजस्वी ने जो कहा उनकी बात मानी जाएगी अधिकारी, या फिर आरजेडी का कोई और नेता कोई कुछ बोल दे रहा है उसको आप अधिकारी मानिएगा, तो दोनों बात नहीं चलेगी ना। या तो तेजस्वी की बात जो है उसको माना जाए या फिर दूसरे लोग बोलते हैं उनको माना जाए। साफ है, सीधी बात है, किसी भी पार्टी में आधिकारिक बयान देने के लिए जो व्यक्ति होता है उसकी बात पार्टी की बात होती है, अदरवाइज इंडिविजुअल बहुत लोग बोलते रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा है, अगर सिर्फ एक सवाल आपके सामने ये रखा जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए इस पर महागठबंधन के अंदर बैठकर बात अभी नहीं हुई है, जिसको ऑफिशियल हम लोगों ने महागठबंधन की एक जो पहले मीटिंग हुई थी उसके बाद बाहर में कह भी दिया गया है, तो उसके बाद फिर दूसरी बैठक नहीं हुई है। बैठक होगी फिर हम लोग तय करेंगे। इतनी बात हम बतावे कि महागठबंधन में चेहरा को लेकर कोई विवाद नहीं है, उसमें जो कुछ भी तय होगा आराम से तय हो जाएगा, समय पर तय हो जाएगा और आराम से फिर आप लोगों को बता भी दिया जाएगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि महागठबंधन का चेहरा एकमात्र तेजस्वी यादव है। आरजेडी की ओर से या किसी भी पार्टी की ओर से, देखिए हर पार्टी को स्वतंत्रता है, हर पार्टी को इस बात की स्वतंत्रता है कि अपनी पार्टी के बारे में वह कुछ बोले, अपनी पार्टी के नेता के बारे में वह बोले, उस दृष्टि से आरजेडी भी कहता रहता है। लेकिन महागठबंधन अलग है, पार्टी आरएलएसपी हो, आरजेडी हो या और पार्टी है, पार्टी अलग होती है और गठबंधन उसका अलग हुआ करता है। तो गठबंधन की ओर से जो बात होगी, गठबंधन की बैठक में परामर्श के उपरांत बात तय होगी। पार्टी आरजेडी की ओर से तय है तो आरजेडी का मामला है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन महागठबंधन का मामला तब होगा जब महागठबंधन के सब लोग मिलकर राय करेंगे, परामर्श करेंगे, फिर चीजें तय होंगी। एक आखिरी सवाल, आप लालू यादव से मिलके आए तो लोगों के जहन में सवाल है डिप्टी सीएम के तौर पे कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं हो रहे? अभी सब सवाल कहाँ से लोगों के, हम अब आपसे यही पूछ दें कि किसके मन में यह सवाल है जी। शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएगा, कहीं से किसी ने तो कहा नहीं ऐसा, इसलिए ये सब बिल्कुल भ्रामक बात है जी।
बिल्कुल गलत बात है, कहीं कोई आकलन भी कर रहा है तो गलत है। लालू जी के स्वास्थ्य की चिंता करके, क्योंकि बीमार है लालू जी, तो मुझको लगा था कि जाकर के उनका हालचाल लेना चाहिए, उस दृष्टि से मेरी वहां यात्रा थी। इस संदर्भ में न कोई मेरे मन में बात थी, न कोई एजेंडा था, न कोई विमर्श हुआ, न कोई परामर्श हुआ, न कोई बातचीत। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन का चेहरा अभी डिसाइड नहीं हुआ, बैठक होगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद चेहरा डिसाइड किया जाएगा। बने हुए सिटी फोर्सेस, उम्मीद है कि जवाब आपको बहुत पसंद आएंगे। शेयर कीजिए इनके जवाबों को, लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।